the condition for formation of ionic bond. याद रहे इंटरवीन की प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन. आयनिक बॉन्ड की पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. क्या मुराद होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से? लाइक ग्रुप 1A का कोई, या ग्रुप 1A2A का कोई एटम. 1A में कौन होता है भाई, मशहूर जमाना सोडियम, जिसके आयनाइजेशन पोटेंशियल खाली 495 किलो जूल पर मोल होती है, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, जितनी कम हो अच्छा है, आसानी से निकल जाएगी. 1A की सबसे कम होगी. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक कोई न्यूट्रल है उसको मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है. ठीक है, किसी न्यूट्रल स्पेशी को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए होती है. सबसे ज़्यादा बच्चों Cl की होती है -348 किलो जूल पर. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिहाज से बहुत हाई वैल्यू है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिहाज से लो वैल्यू है. हाई लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कितनी होती है? 788. ये जितनी ज़्यादा हो, हाँ जी, लार्ज कैटाइन और स्मॉल एनाइन, ये दोनों वो कंडीशन है जो हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनके बगैर शुरू की तीन कंडीशन में हो तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है. जैसे कि ये देखो सीजियम सबसे बड़ा कैटाइन है दुनिया में, फ्लोरीन सबसे छोटा है एनाइन, तो इनका बॉन्ड दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होता है. सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, फ्लोरीन की 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3.3. कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1.7 से ज़्यादा. ये एक पॉइंट आउट नोट कर लेना, जो कंपलसरी कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो उसका भी ऑलमोस्ट डबल है, तो तकरीबन ये 92% तक आयनिक होता है. फिर स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होना चाहिए, और हाई चार्जेस ऑन एटम फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. जैसे कि एल्युमिनियम है +3 है, +3 चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा चांस होगा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का. अब देखिए कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. पहली कंडीशन है हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी से क्या होनी चाहिए? हाई. अब क्या होती है भाई, वो किस ग्रुप में होती है? 5 की 6 की 7 की. इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम. इक्वल ना हो तो कम फर्क हो. इक्वल कब होगी? लाइक ऐसा कोई हो ClCl, ये इक्वल नहीं है तो फर्क हो उसका. इसी तरह इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी मिसाल भी यही हो गई, लाइक BrBr होमोन्यूक्लियर. और अगर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो तो फर्क क्या होना चाहिए? कम फर्क होना चाहिए. न्यूक्लियर चार्ज इसमें भी ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है. एलिमेंट का ताल्लुक या तो ग्रुप 5 से हो, ग्रुप 6 से, या 7 से. देखो ना, 5 में नाइट्रोजन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, 6 में ऑक्सीजन बनाता है, 7 में हैलोजन बनाता है. हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ कार्बन भी नोट कर लें, एसेट हाइड्रोजन एंड कार्बन. स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यार स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो हर बॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे चेन बॉन्ड हो. तो ये बेसिक कंडीशन है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से रिलेटेड कोई ना कोई